जयराज की टॉप न्यूज यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत द्वारा रशियन न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। हॉल के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट सिस्टम से अपग्रेड कर दिया गया है, जिसके कारण हॉल को 2024 तक एक बड़ी ऑर्डर मिल सकती है। भारत ने एक बार फिर चीन की अरबों डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BRI का विरोध किया है। 2019 में भारत और रूस ने रूस से अकुला 1 क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन के लीज के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसे चक्रा 3 नाम दिया गया है। यह लीज लगभग एक दशक के लिए निर्धारित किया गया था और यह भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण विकास था। लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रूसी संस्थानों पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण इस सौदे में डिले आ गया है। यहाँ तक कि रक्षा और रणनीतिक सहयोग में पारंपरिक सहयोग होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पेमेंट सेटलमेंट फेल हो गई थी, जिससे सबमरीन के लीज सहित अदर मिलिट्री एग्रीमेंट में अनिश्चितता पैदा हो गई। ऐसा नहीं है कि भारत खुद के न्यूक्लियर सबमरीन पर काम नहीं कर रही है, वो कर रही है लेकिन अभी भी शुरुआती चरण में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने 3-टन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के ऑटो पायलट सिस्टम में इंपॉर्टेंट अपग्रेड किए हैं। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेट किया, जो शुरू में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए LUH के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी। जिसके बाद भारतीय सेना ने 110 LUH का बड़ा ऑर्डर हासिल करने की योजना बनाई है और उम्मीद है कि 2024 में एक बड़ी ऑर्डर दिए जाएंगे, जिसे 2026 में डिलीवरी शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा। HUL 3-टन क्लास का एक बेहद फुर्तीला न्यू जनरेशन का हेलीकॉप्टर है। इसके मैक्सिमम स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर और इसकी रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर है। यह उन्नत हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों की चीता और चेतक हेलीकॉप्टर के पुराने बेड़े को बदलने के लिए रेडी है। भारत ने गुरुवार को एक बार फिर चीन की एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल का समर्थन करने से इनकार कर दिया और शंघाई सहयोग संगठन के अरबों डॉलर की इस प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं करने वाला एकमात्र देश बन गया, क्योंकि यह रोड POK से होकर गुजर रहा है। चीन एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक बड़ी रकम खर्च कर रहा है। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने BRI को बहुत क्रिटिसाइज किया था। उनका मानना था कि चीन की हिंसक वित्त पोषण के कारण छोटे देश भारी कर्ज के तले दब रहे हैं, और हुआ भी वही। चीन ने छोटे छोटे देशों को ऋण देकर BRI प्रोजेक्ट के लिए हामी भरवा दी है। इस एपिसोड को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।